नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ एक टॉम लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट अपडेट। इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष आदि के साथ ही जमकर विवादों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। फिल्म के डायलॉग से लेकर फिल्म के कई सीन्स पर जमकर बवाल भी देखने को मिल रहा है। अब मामला इस कदर बढ़ गया है कि अब फिल्म को हाई कोर्ट में तक अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसी बीच अब टीवी की सीता कहे जाने वाली दीपिका का भी अब आदि पुरुष पर गुस्सा छलकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर एक्ट्रेस जमकर खरी खोटी सुनाते हुए भी नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में टीवी के राम यानी कि अरुण गोविल ने आदि पुरुष पर अपना भड़ास निकाला था। ऐसे में अब टीवी की सीता यानी कि दीपिका ने भी आदि पुरुष पर अपनी राय रखती हुई नजर आई है। हाल ही में दीपिका ने एक मीडिया ग्रुप से बातचीत में बताया कि जब भी रामायण वापस आएगा, चाहे वो टीवी हो या फिर फिल्म के लिए हो, लोगों को आहत करने वाला है, क्योंकि आप उस रामायण को फिर से नहीं दोहराएंगे जो हमने बनाई थी। इसी के साथ एक्ट्रेस आगे ये कहते दिखी कि मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हम लगातार हर साल या दो साल में रामायण बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। रामायण एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिससे आप सीख लेते हैं। यह एक किताब है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और यही हमारे संस्कार हैं। आदि पुरुष को लेकर दीपिका ने कहा कि उन्होंने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने यह भी कहा है कि फिल्म को लगातार मिल रहे नेगेटिव रिव्यू और काम में बिजी होने के कारण फिलहाल उनका फिल्म देखना मुश्किल है। आपको बता दें कि ओम रावत के डायरेक्शन में बनी फिल्म आदि पुरुष को लेकर जितना बज बना हुआ था, फिल्म ने उतना ही खराब प्रदर्शन कर दिखाया है। हाल ही में खबर ये भी सामने आई थी कि फिल्म के कुछ डायलॉग्स में बदलाव किए जाएंगे। हालांकि अभी तक फिल्म में किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं किया गया है। लेकिन दीपिका के इस स्टेटमेंट से आप कितने सहमति रखते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, अभी की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब के स्टे दिल्ली से। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।